खस का लेना एक सन्नी आजा राष्ट्रीय अनुसूचित जन आयोग के उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके भारत सरकार उपस्थित हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन्होंने छिंदवाड़ा जिले से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की और फर्श से अर्श तक का सफ़र छिंदवाड़ा से लेकर भारत सरकार के बीच में अपनी उपस्थिति देकर दिल्ली में अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आज हमारे बीच में उपलब्ध हैं। हम जानते हैं इन्हीं से कि इन्होंने जनजाति आयोग के माध्यम से देश के लिए क्या कुछ किया है और छिंदवाड़ा जिले के लिए क्या विशेष रूप से करने की मानसिकता रखती हैं। अनसुईया उइके, सबसे पहले तो मैं आप सभी धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे संदर्भ में जो बोला है, मेरे कार्यों को लेकर मेरे बारे में कि मैंने किस स्तर से लेकर आज राष्ट्रीय स्तर तक का सफ़र मेरा रहा है। और वास्तव में ये सफ़र मेरा बहुत ही संघर्षमय कहना चाहिए, जिसके कारण ये सारी सफलता भी मिली है। और जहाँ तक सवाल ये है कि आज जिस पद पर हूँ मैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये अपने आप में संवैधानिक आयोग है। देश में केवल तीन ही आयोग है, चुनाव आयोग, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, जो संविधान के द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें समाज के जो देश के जो करीब 10 से 12 करोड़ के लगभग जनजाति का समूह है, उनकी सुरक्षा कैसे हो, उनकी रक्षा, उनको न्याय कैसे मिले, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक दृष्टि से इनकी स्थिति का आकलन कर और इन क्षेत्रों में भी इन्होंने कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये तमाम विषयों को लेकर उनको संविधान में जो राइट्स दिए हैं, बहुत सारे कानून में प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो फॉरेस्ट राइट की बात कहें, वन अधिकार अधिनियम की बात कहें हम, चाहे आप पेशा कानून की बात कहें, एट्रोसिटी के अंतर्गत अनुसूचित जाति अत्याचार और अन्याय वाला जो कानून है, अधिनियम बना है, उसके तहत लोगों की किस तरह के मदद होती है, उनको न्याय मिलता है, तो ऐसे कई प्रकार के इनके लिए संविधान में एक अलग से सेपरेट से कानून का प्रावधान रखा है। और उस कानून के अनुसार ही, उस संविधान के प्रावधान के अनुसार ही आयोग समय समय पर इसकी समीक्षा करता है देश में, और हर मंत्रालय की हम लोग मतलब उस विभाग से में जितने भी ट्राइबल से संबंधित योजनाएं हैं, समस्याएं हैं, ये तमाम विषयों को हम समीक्षा करके और उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक मेरे जब से बहुत मतलब सुकून भी मिल रहा है और एक प्रकार से ऐसे ऐसे लोगों को मैंने न्याय दिला जिन्होंने की उम्मीद छोड़ दी थी, कि जैसे एक मेरा एक देश में एक एयर इंडिया की एक लेडी थी, झांसी की रानी, जो साउथ की थी, हैदराबाद की, उसे एयर इंडिया वालों ने उसको टर्मिनेशन कर दिया था, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो हाई कोर्ट के लायक, उसको फंड ऐसा नहीं था कि वो हाई कोर्ट जाकर लड़ाई लड़े, हाई कोर्ट ने भी डिसीजन देने के बाद भी उसके लिए उसका पैसा रुका हुआ था। वो अचानक जब मेरे पास आई, उसकी कहानी बड़ी दर्दनाक थी, मुझे लगा कि वास्तव में इसके साथ तो बहुत ही अन्याय हुआ है। मैंने ऑल इंडिया मतलब जितने भी इसके एयर इंडिया के अधिकारियों को बुलाया कमीशन में और कहा कि एक लेडी के साथ इस तरह का अन्याय जो है उनको मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, जैसे उसको साथ टॉर्चर किया है, क्यों नहीं आपके ऊपर भी। क्या होता है कि किसी भी ट्राइबल के साथ अगर कोई अधिकारी के द्वारा किसी तरह का परेशान और वो दिया जाता है अन्याय, उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं होता है, अनजस्टिस होता है, तो इसके लिए भी कानून बना है, उस अधिकार के तहत उनका। फिर उन लोगों ने कहा कि ये तो उन्होंने कहा कि गलती मान ली उन्होंने कि हाँ ये गलती हुई है, और कहा कि आयोग जैसा आदेश निर्देश देता है। उस लेडी का 10 साल से रुका हुआ पैसा और विद इंटरेस्ट सहित मैंने उनको वापस करवाया, करीब 7.5 लाख के लगभग,
जो उसकी कल्पना के बाहर था। और एक लड़की का 6 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया, 6 महीने से भटक रही थी, वो आयोग में आई, बोले मेरा सिलेक्शन हो गया, वो थम्स नहीं मिल रहा है मुझे, इसके कारण ज्वाइनिंग नहीं हो रही। बोले नहीं, आप 2 एग्जामिनेशन पास कर ली थी सिलेक्शन की। हमने नोटिस भेजा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भट्टाचार्य चेयरमैन, जैसे ही नोटिस जाता है, 25 की इसकी सिटिंग थी, 24 को उसको ऑर्डर दे दिया जाता है कि हमने उसको ज्वाइन किया, ऑर्डर कर दिया। ऐसे तो मैं कहती हूँ कि छिंदवाड़ा के ही मामले में करीब 13-14 से जिनके साथ इस टाइप का मामला हुआ था, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, 376 के प्रकरण थे। ये नियम है कि ट्राइबल या SC ST के लिए प्रावधान है कि इनको कोई ऐसी घटना होती है, PO एक्ट लगता है, एट्रोसिटी का अगर लगती है तो उसको तत्काल में ट्राइबल डिपार्टमेंट 50% राशि उसको तत्काल राहत दी जाती है। तो उनको मिला ही नहीं था, पता भी नहीं बहुत लोगों को। जैसे ये सारे प्रकरण आए और हमने कहा कि अगर PO एक्ट है तो उसको इमीडिएट, और 50 चालान पुट ऑफ होने के बाद 50%, ऐसी महिलाओं के लिए 2 लाख, किसी का मर्डर होता है उसको 8 लाख, उसका कई घर का परिवार का जो भी मामले उसके अलग अलग बहुत सारे प्रावधान हैं कि कितना पैसा, 75% पहले और 25% बाद में। तो ये सारी राशि उसकी जस्ट 376 के तहत उसका सारी रिपोर्ट के साथ पुलिस वहाँ पर देगा डिपार्टमेंट ट्राइबल को, और उसको इमीडिएट उसी समय चेक। अनुसूचित आयोग के माध्यम से आप निरंतर लोगों को सेवाएं देने का काम करें, व्यक्तिगत रूप से भी आप छिंदवाड़ा जिले के लिए विशेष योजनाएं, कुछ NGOs, उनके माध्यम से यहाँ के लोगों के जीवन के स्तर को सुधारने के प्रयास में लगे। देखिए, आज मेरा ये कहने का मतलब है कि हम ये देखते हैं, जब मेरे को पहली बार ये पता लगा कि जब हम बड़ी बड़ी कंपनियों को हमने जब कमीशन में रिव्यू के लिए बुलाया, चाहे OTPC हो, CSR का जो फंड होता है ये खर्च करते हैं, तो हमने देखा कि भाई जब ट्राइबल के लिए भी जब संविधान में ये प्रावधान है, तो हम जब पूछते थे कि भाई ट्राइबल वर्ग के लिए ट्राइबल क्षेत्रों में आपने क्या खर्च किया, तो पता लगता था कि इनका बहुत कम राशि जो है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बहुत बड़े कुछ कुछ चीज़ों में खर्च करते थे, लेकिन ट्राइबल एरिया में बहुत कम, जहाँ जहाँ कंपनियाँ हैं वहाँ भी थोड़ा थोड़ा वो होता था। तो इसकी ओर हमने सब ध्यान आकर्षित किया, कम से कम आप सारी राशियों का भी जो होगा तो कम से कम इसका 10% ओनली फॉर ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल लोगों के लिए खर्च करें। तो ONGC का पूरा 2% का प्रॉफिट है, करीब 200-400 के लगभग करोड़ का कम होता है। तो हमने कहा कि भाई हमारा भी एरिया है, आप भी कुछ मदद करिए। तो ONGC के जो है डिप्टी GM वो आए थे कि वो देखते हैं पहले, फील्ड का सर्वे करते कि क्या इनका सही में NGO है सेल्फ, वो उनको मैं लेकर आई थी, मिस्टर रोहित और एक मैडम भी NGO को, वो भी NGO चलाती है साक्षी थी। तो उन्होंने फिर घोषणा की है कि 25-30 लाख रुपए वो तानिया में इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ 25-50 लाख इस क्षेत्र में जुड़ना देंगे। तो पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप से चर्चा हुई उन्हें, तो ऐसा उन्होंने कहा कि आप प्रस्ताव बना के भेजिए तो हम ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे, जो जो जिस भी चॉइस है जो, तो उस तरीके से मैं भी, क्योंकि ये मेरा अपना काम करने का एक तरीका होता है, केवल कोई भाषण देना मुझे नहीं, आखिर हम जिस पद पे, अगर इसका लाभ हो सकता है, मेरी कोशिश रहती है कि हम क्यों नहीं दिलाएं और भी योजना के लिए। केवल हम ट्राइबल तो वर्ग का कानून और प्रावधान के तहत मदद तो हम करा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जनरल और भी कई समस्याएं हैं, लोगों की अपेक्षा मेरे से जुड़ी हुई है। अभी भी जैसे मुझे पता लगा कि यहाँ खदानें बंद हो रही है, आखिर खदानें बंद हो रही है तो इनका दूसरा अल्टीमेटम क्या है। अभी 2 तारीख को फिर मैं और एक मेंबर और है, हम कमीशन के लिए रिव्यू WCL की करने आ रहे हैं, और वहाँ के सारे जो यूनियन के नेताओं से भी और पब्लिक से भी मिलेंगे, उनकी क्या समस्या है और WCL का आगे का क्या प्लान है। क्योंकि हम फिर इस बार कोयला मंत्रालय को भी बुलाएंगे और WCL का जो मैनेजमेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ों की हम समीक्षा करते हैं कि इन परिस्थितियों में, चूँकि ये मेरा अपना क्षेत्र है, अपना मानती हूँ, इसीलिए यहाँ की चाहे वो SC की हो, ST की हो, जनरल की, किसी की भी हो,
मैं तमाम सारे वर्गों को ध्यान में रखते हुए जो भी मदद हो सकती है इस क्षेत्र के लिए मैं करने का पूरा प्रयास करता हूँ। वर्तमान में आप देश के संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन जिस प्रकार से छिंदवाड़ा जिले में आपकी सक्रियता है, तो क्या माना जाए कि 2019 में अब विधानसभा का चुनाव? देखिए, मेरा तो पहले भी मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के बिल्कुल इच्छुक नहीं थी, और ना पहले भी नहीं, मेरा कभी वो नहीं हुआ, आपने देखा होगा। सांसद का चुनाव? ना सांसद का भी नहीं। एक बात बताए ना कि मैं केवल, आपको मालूम है, जब राज्यसभा में थी तो मैं काम करती थी, नहीं थी तो भी करती थी, तो ये मेरा काम करने का तरीका है। अब पार्टी इसमें जो भी है, पार्टी ने यहाँ भेज दिया कि तुम यहाँ काम करो, तो इसके लिए मैंने कभी पार्टी के सामने भी नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये कभी भी मेरा। राज्यसभा का तो जब आया था मैं टीवी में देखा मैंने अपना, जब महिला आयोग में हुआ था तो टेलीफोन से सूचना मिली, तो मैंने पूछा था उस समय, सही में सच बता रही हूँ, कि ये इसमें क्या वर्किंग होगी, क्या करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर टेलीफोन पर आपको जानकारी मिलती कि आपको सांसद का चुनाव लड़ना है, तो क्या इसके लिए आप तैयार? देखिए, मैं तो ऐसा है कि पार्टी का जब भी जो भी आदेश होता है उनका पालन करती हूँ, मगर मेरी कोई अपेक्षा या महत्वाकांक्षा नहीं रहती कि मैं चुनाव लड़ूँ या ये चाहिए मुझे पद। जो जिम्मेदारी पार्टी ने दिया उसको पूरी ईमानदारी के साथ मैं काम करती हूँ और निभाती हूँ, ताकि पार्टी भी इस बात का अध्ययन करती है, सारी चीज़ें करती है, कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा तो काम करने का तरीका यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी सुश्री अनके जी, जिन्होंने निश्चित ही मीडिया के जवाबों का बेबाकी से जवाब दिया उनके सवालों को, और हम मानते हैं, लोगों की अपेक्षाएं भी हैं, हो सकता है 2019 में हमें छिंदवाड़ा में कुछ और देखना।